गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए 28 लोग पहुंचे हैं, बाकी 60 में से जो लोग नहीं आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो बाकी हम स्टार्ट कर देते हैं, 7:03 हो गए हैं, एक मिनट और वेट करते हैं। चलिए 5 तक वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। कल हमने पढ़ा था कुछ भाषा के बारे में, भाषा का जो विकास क्रम रहा उसके बारे में, भाषा की कुछ एक विशेषताएं हैं, भाषा के कुछ एक तत्व हैं उनके बारे में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं, और भारतीय आर्य भाषाओं तक पहुंचने के लिए सतम वर्ग के अंतर्गत आपकी कौन सी भाषा आती है, सतम वर्ग के अंतर्गत कौन से परिवार में आते हैं हम, शाखा में, सॉरी, भारत आर्य, आर्य सतम वर्ग को किसने बांटा, तीन उसमें जो जॉर्ज ग्रेसन ने परिवार को तीन भागों में, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है। और जो भारतीय आर्य भाषा रही है उसको कितने चरणों में विभाजित किया गया है, भारतीय आर्य भाषाओं को, तीन सर, तीन चरणों में। सबसे आरंभिक जो चरण माना जाता है वो कौन सा है, ईरानी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय कब से कब तक रहा, 2000 से 5500 सॉरी सर 2000 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 पूर्व तक, देखना पूर्व साथ में जोड़ना है आपने, बिल्कुल है ना। फिर जो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती है उनको हम आगे बांटते हैं तीन तरीके से, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से रहे हैं आगे, वो वाला प्रश्न भी आपको पहले पूछा जा सकता है ना। और कब से कब तक आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं चली हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, एंड साथ ही साथ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कब से शुरू होती हैं इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। तो चलिए 32 लोग हो गए हैं, बाकी अब जिसने आना होगा उसको वो आता रहेगा, और जो नहीं आ पाएगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते रहेगा, है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं सीधे आपका आज के इस लेक्चर को, जिसने अगर बीच में कुछ पूछना होगा, कुछ कहना होगा, तो आप हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं कुछ भी जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज गलत हो रही है, या फिर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो वो आप कह सकते हैं। स्लाइड विजिबल है सबके लिए, यस सर। ओके, यहाँ पर लिखा है भारतीय आर्य भाषाएं प्रमुख चरण, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया कि कितने चरण हैं इसके, तीन चरण हैं, तीन चरण कौन कौन से हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको तीनों चरणों से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनेंगे, और बहुत ही बारीकी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपके तीन चरण रहे इनकी समय सीमा कब से कब तक रही, और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं आपके, कि इनके भागों को हम किस तरीके से विभाजित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय आर्य भाषाएं रही है ना, इसमें जो पुराना रहा जैसे कि अभी हमने देख लिया प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय रहा, ये रहा आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात एक है, वो ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ अलग अलग बुक्स से, तो कई पुस्तकों में जैसे आप लूसेंट सामान्य हिंदी की बुक पढ़ेंगे, या फिर आप कोई ये अरिहंत देखेंगे, वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर मिलेगा आपको कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय रहा ये किसका रहा, ये रहा आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का, है ना। लेकिन अगर आपको कहीं पर ये चीज भी मिलती है कि 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक रहा इसका समय, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी काफी हद तक सही है। क्यों, क्योंकि जो आपकी प्राचीन भाषाएं रही हैं, देखिए संस्कृत ही रही, इससे पहले आपको कोई दूसरी भाषा नहीं मिलती है, इसलिए हम 2000 ईस्वी पूर्व से भी इसी का ही समय मानते हैं। आपको फोकस क्या करना है, मान लीजिए आपको अब ध्यान नहीं आ रहा है कि 1500 था या 2000 ईस्वी पूर्व था, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये लास्ट वाली, ये वाली कि 500 ईस्वी पूर्व आपको खत्म करना ही करना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को, है ना।
इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता वैदिक, दूसरा आता है लौकिक संस्कृत। अब जो वैदिक संस्कृत का समय रहा वो रहा 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक। कई जगह आपको ये मिलेगा 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। लेकिन सही अगर आपको याद रखना है बिल्कुल सटीक, तो आप इसको 800 ईस्वी पूर्व तक करेंगे। अगर यहाँ पर दोबारा आपको क्या हो, अगर आपको दोबारा यहाँ पर ऐसा दिखे कि 1000 ईस्वी पूर्व बताया गया है, तो फिर आप 1000 ईस्वी करेंगे। अगर 800 दिया है तो आपको निश्चित तौर पर 800 ईस्वी पूर्व ही करना है, ठीक है। फिर 800 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय रहा, ये रहा आपका लौकिक संस्कृत का, ठीक है। अब वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, ये चीज हम आगे जानेंगे। यहाँ पर सिंपली हमने मोटे तौर पर ये याद रखा कि जो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ये कब से कब तक इसका समय रहा है। दूसरी चीज आती है आपके लिए यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, तो ये आपने कहां से स्टार्ट करनी है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखना यहां पर है ईस्वी, अगर आप पढ़ेंगे पांड्यन पांडे वाली बुक से तो वहां पर गलतीवश आई थिंक उसमें लिखा गया है ईस्वी पूर्व, है ना, तो वो नहीं होगा, देखना उसको ठीक कर लेना अगर आपके पास वो वाली बुक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। इसको पूछा जा सकता है आपको कि मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाएं रही हैं इनको कितने भागों में आगे हम विभक्त करते हैं, तो ये वाला प्रश्न भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम तीन तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले आता है इसमें पाली, पाली का जो समय रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, पहली शताब्दी तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पाली का समय। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, देखना पाली प्राकृत अपभ्रंश से, यहां से ऐसा भी प्रश्न बनता है कि पाली की जो पूर्वकालीन अवस्था क्या है या पाली की जो है उत्तरकालीन अवस्था क्या है, है ना, तो दोनों तरीकों से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ना सिर्फ पाली का बल्कि प्राकृत अपभ्रंश से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आपने अपभ्रंश के साथ और चीज भी ऐड कर लेनी है, जैसे इसमें अवहट आता है इसका अगला रूप, उसको भी हम इसी में ही समाहित कर लेते हैं, देखना ये चीज भी आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहीं पर हमने पुरानी हिंदी भी इसमें समाहित कर देनी है, ठीक है। अपभ्रंश के साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, अवहट मिलेगा, अवहट के साथ ही साथ पुरानी हिंदी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में ही समाहित हो जाती हैं। तो जो प्राकृत का समय रहा, ये रहा पहली शताब्दी से लेकर के पांचवी शती तक का जो समय माना जाता है ना, 500 तक का, ठीक है, मतलब छठी शती तक का, तो वहां से आपका हो जाता है फिर अपभ्रंश स्टार्ट। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी इस प्रश्न को पूछा गया है कि जो आपका अपभ्रंश साहित्य रहा, है ना, भाषा के तौर पर ये कब से शुरू होगा आपका, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छठी शताब्दी से माना जाता है अपभ्रंश का जो समय रहा, लगभग 1000 या इसके बाद का भी जो समय रहा है, अपभ्रंश लिखी जाती रही उसके बाद भी, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका जो निश्चित तौर पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो भी भाषाएं हमारी आती हैं वो आधुनिक भारतीय भाषाओं में आती हैं। इसमें हालांकि बहुत ज्यादा भाषाएं रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज को लेते हैं, वो है हमारी हिंदी, बाकियों के बारे में हम इतनी ज्यादा चीजें याद नहीं रखते हैं, जो हमारे काम की भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से तीन चरणों में आपने इसको पहले विभाजित कर लेना है कि तीन मुख्य चरण रहे, कब से कब तक इसका समय रहा, यहां से ये वाला प्रश्न बन सकता है, और प्रत्येक जो चरण रहे हैं उनको हमने कितने भागों में विभाजित किया है। इतनी तक बात ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज आती है दूसरी, इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर वैदिक संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत जो है इसको देखना है हमने सबसे पहले। यहां पर देखिए क्या लिखा है, वैदिक संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। अगर मान लीजिए कई बार आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी रही है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं आपके लिए, कई बार होता है सिर्फ संस्कृत और एक होगा आपको वैदिक संस्कृत। तो जो ओनली संस्कृत है वो आपको किसको याद रखना है, वो है लौकिक संस्कृत का रूप, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। और लौकिक संस्कृत क्या रहेगी, वो खाली संस्कृत है, वैदिक संस्कृत को आपका प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत दोनों चीजें इसके लिए रहेंगी, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। समय सीमा कब से कब तक थी वो हमने पहले याद रख ली, उसको बताने की जरूरत अब नहीं रही। वैदिक साहित्य इसी भाषा में ही मिलता है और वेदों की ऋचाएं छंदों में लिखित होने के कारण इसे छंदस और छांदस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कॉमन सा जो एक अंतर था जो मैंने आपको कल भी बताया था कि देखना आपका जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर है, वेदों की जो भाषा रही वो रही वैदिक संस्कृत और जो पुराणों की भाषा रही वो रही आपकी लौकिक संस्कृत। सिंपल सा अर्थ यही है जो बहुत संक्षिप्त रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसका नाम क्या क्या पड़ा, वैदिकी एंड वैदिक
छंदस छांदस, ये सारे नाम किसके हैं, वैदिक संस्कृत के ही हैं, ये आपको पहले से आ जाते हैं, बताने की जरूरत इसको बिल्कुल भी आपको नहीं है, है ना। इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि सबसे प्राचीन है नाम इसके छंदस छांदस, वैदिक वैदिकी, ये आपको ध्यान में रखना है। वेदों की जो ऋचाएं हैं, ऋचाओं का मतलब है उसकी जो पंक्तियां हैं वो छंदों में लिखित होने के कारण ये नाम इसका पड़ा है। फिर दूसरी चीज आती है कि जो वैदिक संस्कृत का जो साहित्य रहा, अब देखिए जो भी भाषा आती रहेगी उसके कुछ ना कुछ आधार स्रोत जिसको हम कहते हैं, या कहां से पता चला कि ये वैदिक संस्कृत है, ये भाषा रही है, तो इसके कुछ ना कुछ साहित्य रहे हैं हर एक भाषा के, चाहे वो वैदिक संस्कृत का हो, चाहे आपका लौकिक का हो, या फिर आपका पाली प्राकृत अपभ्रंश का रहा हो, है ना। उन सब के सब में कहीं ना कहीं साहित्य रचा गया है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं इनसे हमें इसके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती है तीन चीजें, है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। कितने भागों में बांटा गया इसको, तीन भागों में, हालांकि वैसे चार है जो आरण्यक भी आते हैं इसमें, आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन आरण्यक और जो आपके उपनिषद हैं या ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो लगभग सेम ही है, ठीक है, इसलिए हम इसको बांटते हैं तीन भागों में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वैदिक संस्कृत का जो साहित्य है कितने भागों में है, तीन भागों में। अब इसमें तीन भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है इसमें संहिता, देखना यहाँ पर ये आपको क्रम अनुसार लगाने को आ सकते हैं, ठीक है। पहला भाग संहिता है, संहिता को ही कहा जाता है वेद, जो हमारे चार वेद आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। संहिता के अंतर्गत क्या आएगा, वेद आएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, आपके वेदों के ही अगले ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पर उपनिषद, उपनिषद का मतलब है जो आपने ब्राह्मण लिखे, है ना, वेदों के बाद आपने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, या इसको हम परिशिष्ट कहते हैं, वो आता है आपका उपनिषद में, ठीक है। और इन्हीं उपनिषदों को क्या नाम दिया गया, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपको अरण्यक दिखेगा, अरण्यक का मतलब हुआ जो जंगलों में जो वृक्ष की छालों के ऊपर लिखे जाते थे, यही क्या है आपका, ये अरण्यक रहेगा, ठीक है। लेकिन अरण्यक को हम इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। इतनी तक ठीक होगी बात, वैदिक संस्कृत और इसका साहित्य कितने भागों में है, तीन भागों में, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। फिर आता है जो आपका संहिता है, इसको हम वेद कहते हैं, इसके अंतर्गत चार वेद रहेंगे, और प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, है ना। तो यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि आरण्यक को हम उतना ज्यादा नहीं इसमें रखते हैं जब हम वैदिक संस्कृत के साहित्य की बात करते हैं। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि जो चीजें अभी तक हमने देखी कि संहिता है, ब्राह्मण है और उपनिषद है, यहां से आपको प्रश्न कैसे बनेगा वो देखते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। ये वाला ठीक है यहां तक? यस सर। हाँ, यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है वेद, आपको अपनी कॉपी में एज इट इज ऐसे ही बना लेना है इसको, हालांकि मैंने बुक से ही रखा है, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगना था इसलिए मैंने बुक से ही निकाल दिया इसको कि ये आपके लिए रखना है। वैदिक साहित्य, इसमें आपने एक चीज और इसमें ऐड करना है, एक कॉलम आपने और, वो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा कॉलम ऐड करना है आपने यहां पर, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, सबसे पहले वेद आता है आपका ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न और आता है, वेद त्रयी में कौन कौन से तीन वेद शामिल हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है हिंदी के एग्जाम में, खासकर पीजीटी या एलटी कमीशन में, ठीक है, ये बन सकता है आपके लिए ये वाला प्रश्न, शाबाश। वैसे तो सबको पता होगा कि वेद त्रयी में कौन कौन से तीन शामिल है और एक नहीं है, शाबाश। अथर्ववेद नहीं है शामिल, हाँ, अथर्ववेद इसमें नहीं आएगा, अथर्ववेद इसमें नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो तीन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो पहले के तीन हैं, ये रहेंगे वेद त्रयी में। देखिए ये जितनी भी त्रयी आती हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, इन सब को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए वेद त्रयी है आपका, छायावाद के बृहद त्रयी है, लघु त्रयी है, प्रगतिशील त्रयी है, घुमक्कड़ त्रयी है, है ना, और आपकी प्रस्थान त्रयी है, तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो कभी कभार इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना आपने। वेद त्रयी की अगर हम बात कर रहे हैं, बाकी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी वहां पर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो वेद त्रयी में तीन वेद ऊपर वाले, नीचे वाला आपने छोड़ देना है अथर्ववेद। एक चीज मैंने आपको कहा था कि एक कॉलम और ऐड करना है इसमें, कि इन वेदों में किस चीज का वर्णन है, है ना, जो तथ्य लिख दीजिए आप इसमें, महत्वपूर्ण जो चीज क्या आती है इसमें, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको।
तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ रहा कि इसको सरलीकृत करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ इसका रचा गया आगे वो कौन सा रहा, ये रहे ऐतरेय। इसकी रचयिता महिदास, इतना जरूरी नहीं है, इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है कि किसने लिखा क्या लिखा, ठीक है। सिंपल सा इतना आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ आता है आपका ऐतरेय और कौशितिकी, है ना, कौशितिकी और ऐतरेय। आरण्यक जो रहा ये भी इसी नाम से ही रहे, देखिए हर एक आरण्यक इसी नाम से ही लिखे गए हैं इनके, ठीक है। जरूरी चीज आपके लिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या थी कि जो आपके ये ब्राह्मण ग्रंथ रहे हैं इसके जो उपनिषद भी हैं ये भी इसी नाम से ही इन्होंने रखा है, ऐतरेय नाम से ही इसका उपनिषद भी लिखा गया, मतलब इसका जो परिशिष्ट लिखा गया, इसका जो कंक्लूजन लिखा गया। आखिरी जो चीज आती है ऋग्वेद में वो आती है कि इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है आपको, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ईश्वर वंदना आती है ऋग्वेद में, ठीक है, ईश्वर वंदना या भगवान की स्तुति आप कह सकते हैं कि जो किसके अंतर्गत आती है, ये रहेगी आपकी ऋग्वेद में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले पहल हम क्या करते हैं, ईश्वर को ही स्मरण करते हैं ना जब भी हम कोई काम करते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, ईश्वर की वंदना आएगी इसमें, ठीक है। फिर आता है आपके पास दूसरी चीज जो यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद को हम दो भागों में बांटते हैं, एक रहा आपका शुक्ल, एक रहा आपका कृष्ण, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं आपके दो ग्रंथ, जो सॉरी शुक्ल और कृष्ण के अंतर्गत एक एक, शतपथ और तैतिरीय, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार इनको पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से आते हैं, है ना। फिर इसके अंतर्गत जो उपनिषद हैं ये जरूरी है, आरण्यक को आप इतना जरूरी नहीं रखेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यहां पर आपको याद रखना है कि जो शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाले जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो इसमें बृहदारण्यक और ईश, दूसरा रहा आपका कठोपनिषद एंड मैत्रायणी तैतिरीय और श्वेता श्वेत्र उपनिषद। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जब जो श्वेता श्वेत्र उपनिषद है ये हमारे काम का है, ये क्यों हमारे काम का है, क्योंकि जब हम भक्ति काल के बारे में देखते हैं, देखना वहां पर इसका जिक्र आता है कि जो निर्गुण भक्ति है इसका सबसे पहला पहल उल्लेख कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है आपको इसी उपनिषद में, श्वेता श्वेत्र उपनिषद में। आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि श्वेता श्वेत्र उपनिषद जो है ये किस वेद का के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का भी अगर आपको भाग पूछा जाए तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद। और जैसे कठोपनिषद है, कठोपनिषद की कथा भी आपके इसकी इससे आधारित कथाएं भी आपके हिंदी साहित्य में आपको देखने को मिलती हैं, जैसे नचिकेता यम वगैरह जो कहानी है ना, जैसे आपका कौन सी एक महत्वपूर्ण आत्मजय कुंवर नारायण की है, ठीक है, तो इसी के आधार पर लिखी गई है वो कहानी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है देखना। यहाँ से आपका कृष्ण यजुर्वेद, कठोपनिषद और श्वेता श्वेत्र उपनिषद दो महत्वपूर्ण है और दोनों ही आपको पूछे जाते हैं, और इनसे संबंधित आपकी कुछ एक रचनाएं मिलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो यजुर्वेद रहा आपका, इसमें कौन सी चीज आती है जिसका वर्णन किया गया है, जैसे पहले थी ऊपर ईश्वर स्तुति, अब जो यजुर्वेद आता है इसमें कौन सी चीज है, धार्मिक कांड, धार्मिक जीवन का वर्णन, धार्मिक कर्म कांडों का वर्णन इसमें रहेगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ईश्वर वंदना हो गई और उस ईश्वर की स्तुति करने के लिए आपने कौन कौन से कर्म कांड या यूं कहें कि जो और चीजें की, मतलब ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपने याद रखना है धार्मिक कर्म कांड आ जाएंगे आपके किसमें, यजुर्वेद के अंतर्गत, ये प्रश्न पूछा जाता है देखना। फिर आता है सामवेद, तो सामवेद सबको पता है कि इससे संगीत लिया गया है ना, तो संगीत आपको ध्यान रखना है किससे है, सामवेद से है, और सामवेद के आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविष षडविष जैमिनीय छांदोग्य और जैमिनीय इसके आरण्यक हो गए, और छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय और केन इसके क्या है, ये इसके उपनिषद है। लास्ट में आपने इसमें जोड़ देनी एक और चीज कि इसका जो इससे सॉरी इसमें कौन सी सॉरी तो इसमें आपने किसको रखना है, संगीत को, है ना, इससे लिया गया आपका संगीत। लास्ट में आता है फिर अथर्ववेद, तो अथर्ववेद इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, इससे ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। एंड ब्राह्मण ग्रंथ इसका माना जाता है गोपथ और मुंडकोपनिषद और जो आपका मांडुक्य एंड प्रश्न, ये रहे इसके उपनिषद, ठीक है। तो ये चीज है, ये जो आपका मुंडकोपनिषद है इससे कुछ चीज ली गई है, हमारे भारतीय जो चिन्ह है प्रतीक वगैरह है उससे लिया गया है कुछ, क्या, सत्यमेव जयते, यस सत्यमेव जयते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है
इंपॉर्टेंट बात है ये वाली भी। और अथर्ववेद में किस चीज मतलब यहाँ से क्या कौन सी चीज मिली? तंत्र मंत्र, जादू टोना। जादू टोना और टोना टोटका मतलब जो हमारा ये जीवन रहा जिसको हम कह सकते हैं कि इंसानी जीवन जो हम चीजें करते हैं अपनी जिंदगी में, तंत्र मंत्र जादू टोने जो भी रहे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपको ऐसा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक जो आपका वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाला जो साहित्य है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं। वैसे इसमें चार रहेंगे, वेद, वेद को हम संहिता कहते हैं, संहिता के बाद इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपनिषद, और साथ साथ इसमें आरण्यक भी आपका जुड़ता है। तो लेकिन आरण्यक को हम उपनिषद के साथ साथ ही रखते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है बात, है ना। ओके, तो ये था आपका वैदिक साहित्य। इसके अलावा और कोई भी चीज आपको वैदिक साहित्य में इतनी महत्वपूर्ण नहीं मिलती है, तो ये चीजें ही आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जैसे कि किस चीज का वर्णन कहाँ पर है वो ध्यान रखना है, जैसे सामवेद से संगीत है, अथर्ववेद से जादू टोना है ना, यजुर्वेद से आपके धार्मिक कर्म कांड है, ऋग्वेद में आपका क्या है, ईश्वर वंदना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कई बार ये आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जो आपके उपनिषद हैं इनको क्या कहा जाता है, तो ये रहे आपके संहिता या यूं कहें वेद का जो परिशिष्ट रहा या ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट इनको माना जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ब्राह्मण ग्रंथ का परिशिष्ट या इसका कंक्लूजन या इसका निष्कर्ष, ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। फिर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो आपके उपनिषद रहे इनकी संख्या कितनी रही? 18 या 108? उपनिषद 108। इनमें से आपके लगभग कितने माने जाते हैं, 11-12 के आसपास माने जाते हैं जो प्रमुख है? 12, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए आप। तो 12 तो आपके जो यही लिखे हैं, मेन तो यही है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रख लीजिए। ये हो गया आपका वैदिक साहित्य। इसके अलावा वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुछ और चीजें आती हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एंड उदय नारायण तिवारी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वैदिक वर्णों की संख्या 52 मानी है और जिनमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, कि जो हिंदी में भी हम देखते हैं यही, आज के समय भी हम अगर हम देखें कि आपके जो इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं वैसे, लेकिन हमारे जो जो वर्णों की संख्या रही वो 52 ही रही है हिंदी में भी, ठीक है। तो ये इसको आप खुद से देख लीजिए, इसको बताने की जरूरत वैसे नहीं है, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना बाद में, यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा होगा, जब स्टडी मटेरियल में आपको ये चीज दिख जाएगी तो वहां पर आपको ये चीज शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख लेना आपने कि इसमें क्या क्या ध्वनियां वगैरह आती है, कोई ज्यादा मुश्किल बात ये नहीं है, यहां से इतना ही प्रश्न रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका दूसरी जो भाषा रही, ये रही आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत कंप्लीट है, वैदिक संस्कृत से कोई ऐसे इसके अलावा और चीज तो नहीं है कुछ जो आपको लगता है कि वो छूट गई हो, वैसे इतना ही है ज्यादा, वैसे ये चीजें भी कभी कभार ही पूछी जा सकती है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया वैसे तो। नेक्स्ट आता है दूसरा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की जो समय सीमा है वो आपको पहले ही बता दी गई है, ठीक है। कौन बताएगा, मीना बताएंगे, मीना कुमारी? लौकिक संस्कृत की समय सीमा प्रिया, प्रिया सर 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। हाँ, 1000 या 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय रहेगा वो रहेगा आपका लौकिक संस्कृत का। यहाँ पर देखिए, लौकिक संस्कृत ये वैदिक संस्कृत का परवर्ती रूप है, परवर्ती से मतलब है कि इसके बाद का रूप है, ठीक है। यह जन सामान्य की अत्यंत निकट की भाषा मानी जाती है। उत्तर पाणिनि काल की भाषा को लौकिक संस्कृत कहा जाता है ना, पाणिनि के बाद के काल को भी हम क्या कहते हैं कि ये लौकिक संस्कृत रही है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो व्याकरणिक इनका ग्रंथ रहा उसकी रचना की इन्होंने इसी भाषा में, इस भाषा में जो लौकिक संस्कृत रही। इसके अलावा रामायण, महाभारत और आपके जो पुराण इत्यादि हैं इनकी भाषा भी इसी भाषा में ही, मतलब इनकी रचना भी इसी भाषा में की गई है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है लौकिक संस्कृत के बारे में। बाकी चीजें कोई भी यहाँ से मतलब इतना टफ नहीं है, ये बहुत आसान है कि जो
जो आपकी वैदिक संस्कृत थी वो थोड़ी सी कैसी हो गई थी, क्लिष्ट हो गई थी, दुरू हो गई थी, मतलब आम जनमानस से वो दूर हो गई थी। और ये हमने भाषा की विशेषता में पढ़ा है कि धीरे धीरे क्या होता है कि भाषा जो है अपना स्वरूप बदलती जाती है। जब वैदिक संस्कृत थोड़ा सा मुश्किल हो गया समझना, या यूं कहें कि वो विशेष वर्ग तक सीमित रह गई, उस वक्त एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो आम जनमानस के नजदीक हो, करीब हो। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी भाषा रही, ये रही लौकिक संस्कृत, जो उसका अगला रूप माना जाता है। और लौकिक संस्कृत को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा क्लासिकल भाषा। माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ रख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, इसको क्लासिकल भाषा किसने कहा, ये कहा डॉक्टर नगेंद्र ने, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा पाणिनि वगैरह तो यहां पर आया ही आया। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जैसे आपके ये भास हो गया, भर्तृहरि हो गया, है ना, माघ हो गया, इस तरीके के जो कवि रहे, है ना, इनका जो साहित्य रहा, कालिदास हो गया, इन्होंने किस भाषा में लिखा, ये रहे लौकिक संस्कृत के जो प्रमुख रचनाकार उस वक्त के, है ना, इनको आप याद रख लीजिए। बाकी जितने भी पुराण वगैरह रहे, आप देखते हैं बहुत ही सरल शब्दों में या सरल भाषा में मिलता है आपको इनका जिक्र। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर वर्णों की संख्या थोड़ी सी घट गई थी, 48 ही रह गई थी। तो इस तरीके की जो ये ध्वनियां रही, इनको आपने पीछे वाली स्लाइड से देख लेना कि इनका इसमें अभाव देखने को मिलता है जो आपकी वैदिक संस्कृत में थी। बाकी इसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनेगी आपको लौकिक संस्कृत से। इतनी सी चीजें याद रखिए, क्लासिकल लैंग्वेज इसको किसने कहा, है ना, तो वो आपने ध्यान रखना है कि शास्त्रीय, क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय हुआ ना, तो ये कहा डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर नगेंद्र रहे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो संपादित किया है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को पढ़ेंगे वहां पर। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, इतनी सी चीजें याद रखिए लौकिक संस्कृत से, किसने कहा इसको शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज। ये हो गया आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यहाँ पर कंप्लीट। दूसरे नंबर पर यहां पर आता है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? नो सर, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगे कि स्पीड कुछ ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं बीच में, बेझिझक होके, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको जो है इसी स्पीड के साथ चलना है, है ना। थोड़ा सा रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आराम से करें तो कहीं ना कहीं मैं खुद सो जाता हूँ, और सामने वाले का भी ऐसा लगता है कि जब हम इस तरीके से लाइव लगा रहे हों तो बीच में थोड़ी सी भी इंटरप्शन दिखे थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, है ना। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, जहां पर आपको लगे कि ज्यादा तेज हो रहा है वहां पर आप बोल देना, क्योंकि अक्सर यही शिकायत रहती है हर एक, जितनी भी क्लासेस मैं 4-5 लगाता हूँ दिन को, तो उसमें यही सुनने को मिलता है कि सर थोड़ा सा आप ज्यादा तेज हो रहे हैं, थोड़ा क्या बहुत, कुछ एक क्लासेस में तो ऐसा सुनने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर आपने कह देना है, ऐसा चुप नहीं रहना आपने। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। समय इसकी हमने पहले ही देख लिया था, समय सीमा कब से कब तक रही मध्यकालीन की, तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा। ठीक है, फिर इसको भी हमने 3 भागों में आगे विभाजित किया, ये हमने पहले ही देख लिया, तो एक बार इसको आप देखिए, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली रही, फिर प्राकृत रहा, फिर अपभ्रंश रहा लास्ट में। ठीक है, इतनी सी याद रखिए। फिर जो दूसरी चीज आती है यहाँ पर, देखिए पाली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके नाम से रिलेटेड ही आपको बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब पहला नाम आ गया आपको कि जो एक चीज, अच्छा पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो भी आपका मध्यकाल है, देखिए पूरा का पूरा, इसको हमने क्या नाम दिया है, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा मध्यकाल में मानी जाती है जो केंद्र में रही। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, पूरा का पूरे मध्यकाल में प्राकृत को हम केंद्र में रखते हैं, इसीलिए जो पाली रही इसको हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, जो प्राकृत रही मतलब जिसको मेन जो प्राकृत रही उसको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, और जो अपभ्रंश रहा उसको हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। आपको प्रश्न यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रही उसको मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो वो प्राकृत के नाम से ही जाना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? जी सर, पूजा बोलो। सर, एक चीज और है इसमें कि जो हमारा ये है ना संस्कृत, और संस्कृत के बाद आती है पाली, तो इसमें हमारा ईस्वी पूर्व चलता है, लेकिन जो प्राकृत है इसके बाद हमारा ईस्वी चल पड़ेगा, प्राकृत के बाद।
हाँ हाँ ये तो स्वाभाविक सी बात है ना, जब हम एक तक पहुंच गए फिर हम सही तरीके से चलेंगे ना, फिर हम उल्टा नहीं चलेंगे। हाँ ठीक है ओके। चलिए इतना सा ध्यान रख लीजिए आप, है ना। केंद्र में क्या रहेगा, केंद्र में आपका प्राकृत रहेगा, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसी के चलते पहले की जो पूर्व प्राकृत, या यूं कहें आपको कि उत्तर प्राकृत, पूर्व प्राकृत का मतलब प्रथम प्राकृत, उत्तर प्राकृत का मतलब तृतीय प्राकृत, ये भी आप याद रखिए। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है जो आपका पाली रहा, है ना, पाली जिसका समय रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, इसमें अन्य नाम क्या क्या दिए गए इसको। यहाँ पर है पहला प्रथम प्राकृत, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों पड़ा इसका नाम प्रथम प्राकृत। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर प्रथम देशी भाषा भी इसको कहा जाता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि लौकिक संस्कृत, जैसे जैसे लौकिक संस्कृत से लोग आगे बढ़ते गए हम पहुंच गए पाली तक। और आपको ये पीजीटी कमीशन में ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको ये क्रम भी पूछा जाता है, सबसे पहले आपकी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, देखना, है ना। ठीक वैसे ही आपको संहिता, ब्राह्मण और जो आपके उपनिषद है इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी आपको प्रश्न आपको लगाने वाले हैं। और ऐसे आपको लगभग 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो क्रम अनुसार आएंगे, तो इसलिए ध्यान रख लीजिए इस चीज को भी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाली के बारे में, इसको प्रथम देशी भाषा क्यों कहा गया, क्योंकि जनमानस के करीब की भाषा रही, इसलिए इसको पहली देशी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज इसको कहा गया मागधी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, देखना इसको भी ध्यान रखिए कि पाली को ही क्या नाम दिया गया, मागधी भाषा नाम दिया गया है। क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो पाटलिपुत्र रहा, है ना, जो उस वक्त का मगध साम्राज्य रहा, है ना, उसके आसपास या उन क्षेत्रों में बोली जाने वाली ये भाषा रही, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मागधी नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना। देखिए कितने नाम हो गए, प्रथम प्राकृत हो गया, देशी भाषा हो गया, मागधी हो गया, और बौद्ध भिक्षुओं को पालने वाली भाषा एक और नाम है। बौद्ध भिक्षुओं को पालने वाली भाषा से पहले आपको ये एक और चीज याद रखनी है कि पाली का मतलब है बुद्ध वचन। ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि बुद्ध वचन, है ना, यहाँ लास्ट में लिखा है, देखिए बुद्ध वचनों की पंक्तियां, तो आपको ध्यान रखना है कि पाली का एक अर्थ माना जाता है बुद्ध वचन, है ना, कि भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए जिस भाषा में उन्होंने दिए उसको कहा गया पालने वाली भाषा, ठीक है, पालने वाली भाषा। तो सिंपल सा बात है कि बौद्ध भिक्षुओं को पालने वाली भाषा कौन सी रही, आपकी पाली भाषा रही। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आपकी पाली भाषा रही इसका संबंध किस धर्म से रहा, तो बौद्ध धर्म से माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर जो देशी भाषा थी तो इसी से आपने कनेक्ट करना है, ग्रामीण भाषा या गांव की भाषा। गांव की भाषा इसको किसने कहा, ये वीरू शेखर ने कहा, नीचे फिर से लिखा गया है। तो तीनों चीजें लगभग सेम है, प्रथम देशी भाषा, ग्रामीण भाषा और पल्ली, पल्ली का मतलब हुआ गांव, तो गांव से किसने माना, वीरू शेखर ने माना। आपके पास बुक है पांडे वाली होगी, तो वहां से आपने देखना, वहां पर आपको बुक में मिलेंगे हर एक जो राइटर हैं उनके नाम, कि उन्होंने इसका क्रम जो है कैसे कैसे बताया है, है ना। तो उसको आप खुद से देख लीजिए कि हर एक विद्वान ने कैसे कैसे माना कि इसका जो पाली नामकरण पड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जैसा था वो यहाँ पर रख दिया गया है कि वो विदु शेखर रहे, इन्होंने पल्ली से माना इसका जो नाम पड़ा पाली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पाटलिपुत्र मगध दोनों एक चीजें हैं, इसको आप देख लीजिए। और सर्वमान्य जो मत है वो आता है इसमें कि ये मध्य प्रदेश के आसपास की बोली जाने वाली भाषा रही है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो सर्वमान्य जो मत रहा वो रहा मध्य प्रदेश की बोली। तो आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की बोली किस भाषा को जाना जाता है, तो ये नाम रखना है आपको याद, पाली। पाली की जो समय सीमा क्या रही वो भी ध्यान रखिए, पाली का संबंध किस धर्म से रहा वो भी याद रख लीजिए, एंड दूसरी चीज ये है कि प्रथम प्राकृत कौन सी रही वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी सी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, एंड दो नाम एक्स्ट्रा दिए गए हैं, विदु शेखर और बालेसर, तो इनके अनुसार क्या है, ये बुद्ध वचनों की पंक्तियां हैं, पाटलिपुत्र, है ना। तो इतना सा है जो आपको इसके नामकरण से रिलेटेड याद होना चाहिए। एक चीज और आती है आपको पाली से रिलेटेड, देखना, इसी के अंतर्गत आता है आपका शिलालेखी या अभिलेखी प्राकृत, है ना। अब जो अशोक के शिलालेख रहे, मतलब 261 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था ना आपका जो कलिंग का युद्ध रहा है, तो इसी के चलते किसी ने माना कि ये कलिंग देश की भाषा भी रही है, है ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको बुक में वैसे मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ की इसको भाषा माना गया है, है ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो यहाँ पर रख दिए गए हैं।
तो उसको भी आप ध्यान रखिए कि जो अशोक सम्राट रहे है ना, उनके जो शिलालेख लिखे गए थे वो भी इसी भाषा में लिखे गए थे, और शिलाओं में लिखित होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, शिलालेखी या अभिलेखी प्राकृत भी इसको ही नाम दिया गया है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शिलालेखी या अभिलेखी प्राकृत, याद रख लीजिए इस चीज को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पाली भाषा के बारे में। ओके, तो ये हो गया इसका नामकरण, पाली का नामकरण कैसे कैसे पड़ा है। देखना यहां से प्रश्न आपको आता है, इसको ढंग से देख लीजिए आप। नेक्स्ट चीज आती है कि इसके जो आधार स्रोत रहे, जिस तरीके से हमने आपका जो वैदिक संस्कृत का जो वैदिक साहित्य देखा, ऐसे ही आपका जो आपकी पाली भाषा रही है ना, इसके भी कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य रहे, इसके कुछ आधार ग्रंथ रहे, जिनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है। तो पहली चीज आती है इसमें अशोक के शिलालेख, ये तो सर्वमान्य मत है, सर्वविदित है कि अशोक के शिलालेख जो है किस भाषा में लिखे गए थे, पाली की भाषा में ही मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है जो इसके आधार ग्रंथों में या स्रोतों में मानी जाती है, ये आते हैं त्रिपिटक ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है देखना, त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक ग्रंथों से आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि त्रिपिटक कौन कौन से रहे हैं, तो इसमें आता है सुदपिटक, विनयपिटक और अभिधम पिटक। सुदपिटक में क्या चीज है, सुदपिटक में आ जाएंगे आपका जो भगवान बुद्ध हैं, ठीक है, उनके उपदेश जो है साधारण भाषा में दिए गए जो उपदेश हैं, उनका जिक्र आता है सुदपिटक के अंतर्गत। विनयपिटक में क्या है, विनय का मतलब हुआ कि एक तरीके से अनुनय विनय करना या फिर आग्रह करना है ना, तो यहां पर क्या चीज रहेगी, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो भगवान बुद्ध रहे उन्होंने अपने जो संघ संचालन के कुछ एक नियम वगैरह निर्धारित किए हैं कि पूरा जो उनका संघ जो है वो किस तरीके से चलेगा, ठीक है, इस चीज की बात कहां पर आती है, विनय पिटक के अंतर्गत आ जाएगी। और जो अभिधम पिटक रहा, अभिधम पिटक में जो धार्मिक विशद विश्लेषण किया गया है धर्मों का, ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है कि त्रिपिटक ग्रंथों से आपको ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि कौन से पिटक में कौन सी बात रही है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे काम का जो है वो है आपका सुदपिटक, ठीक है। सुदपिटक कैसे इंपॉर्टेंट है, सुदपिटक के अंतर्गत आते हैं आपके कुछ एक इसके निकायों में, इसको विभाजित किया गया आगे, पांच निकाय रहे हैं इसके, ठीक है, पांच निकाय। जैसे कुछ नाम है देखना, जैसे इसमें आता है आपका क्या, दीघ निकाय आ गया है ना, संयुक्त निकाय, कुछ इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट जो निकाय रहा इसमें वो आपको ध्यान रखना है, वो रहा खुद्दक निकाय। ये निकाय आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से याद रखना है, ठीक है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी निकाय के अंतर्गत क्या चीज होती है कि जो आपके भगवान बुद्ध रहे है ना, उनके जीवन की या यूं कहें कि उनके जो पूर्व जन्मों की कथाएं रही हैं है ना, वो इसके अंतर्गत आती हैं, और जिन कथाओं को कहा जाता है जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाओं का वर्णन कहां पर हुआ, त्रिपिटक में, और त्रिपिटक में भी किस वाले पिटक में, सुदपिटक के अंतर्गत आने वाले खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन मिलेगा आपको। और जातक कथाओं की संख्या कितनी थी, ये रही 549, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि 549 जो कथाएं रही जातक कथाएं। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जातक कथाओं की जो ये जो जातक कथाएं रही हैं उसमें किसकी पूर्व जन्मों की कथा आपको देखने को मिलती है, और ये वाला प्रश्न आपको इस बार पूछा गया था शायद किसी परीक्षा में जो अभी 2021 में हुई थी लास्ट टाइम है ना, उसमें ये प्रश्न रखा गया था, ठीक है। किसी को ध्यान कौन से पेपर में पूछा गया था, ये पूछा तो गया है शायद, आई थिंक LT में ही पूछा था, क्योंकि PGT तो हुआ नहीं इस बार है ना, तो उसमें ये चीज पूछी गई थी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, देखना पाली से रिलेटेड प्रश्न आपको ज्यादा बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। हालांकि इसमें और भी आते हैं आगे, जैसे इसके कुछ ग्रंथ रहे हैं आगे, 15 ग्रंथ माने जाते हैं, तो वो इतना जरूरी नहीं है, सिंपल आपको संख्या याद रखनी है कि इन निकायों के भी आगे क्या है, 15 ग्रंथ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप याद रख लीजिए, इस निकाय के कितने ग्रंथ हैं और इसमें कितनी कथाएं हैं, और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को ही कहा जाता है जातक कथाएं, ठीक है। तो दो चीजें आ गई इसमें, जो इसके आधार स्रोत रहे या यूं कहें कि इसके जो आधार ग्रंथ रहे पाली के, जहां से हमें पाली भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और रचना आती है यहाँ पर, ये रही नागसेन की मिलिंद पन्हों। यहां से देखना ये वाली रचनाएं, इस तरीके की रचनाएं भी पूछी जाती हैं, इनको आप ध्यान रखिए।
जैसे फॉर एग्जांपल इस बार ही पूछा गया था आपको, एक रचना पूछी गई थी जब हम हिंदी के विकास में आगे उसको उसके बारे में भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट थी वो, कि जो आपका बुर्ज महीर रहा, बुर्ज महीर लिखा गया उसको देखिए, है ना, उसने एक जो पंचतंत्र है वो लिखी थी, ठीक है। ठीक वैसे ही एक रचना और आती है निशित चूर्णी, जो श्री जिंदा सगुणी महत्र ने लिखी थी। तो हिंदी शब्द की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम इन रचनाओं का जिक्र होता है। तो ठीक ऐसे ही आपको जो इस तरीके की रचनाएं हैं इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नागसेन ने लिखी मिलिंद पन्हों, और बुद्ध घोष का आता है इसमें अटकथा साहित्य, ये ध्यान रखना है आपने। बुद्ध घोष की अटकथा साहित्य भी किस रचना किसमें आती है, आपकी जो पाली भाषा में ही लिखी गई थी, ठीक है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, देखना ये इसलिए याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा साहित्य आपको नहीं मिलता है, इसलिए इनको एक एक को याद रखना जरूरी है। बुद्ध घोष का अटकथा साहित्य, एंड बुद्ध घोष से रिलेटेड एक और चीज आती है जो लास्ट में लिखी गई है यहाँ पर, देखिए कि जो विशुद्धि मग लिखा है इन्होंने, इसको हम विशुद्धि मार्ग भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशुद्धि मग को मतलब होता है विशुद्धि मार्ग। तो इसमें क्या रहे, बौद्ध सिद्धांतों का इसको कोष कहा गया है, इसकी रचना भी बुद्ध घोष ने ही की हुई है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए आप। तो ये भी आता है पाली के आधार स्रोतों में एक प्रमुख ग्रंथ, है ना। इसके अलावा दो रचनाएं यहाँ पर और लिखी हैं, दीपवंश और महावंश। इसके रचनाकार अज्ञात रहे हैं, माना ये जाता है कि ये आपके जो ये वर्मा और आपका श्रीलंका के आसपास की ये रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसा भी पूछा जाए कि जो पाली भाषा रही ये हमारे भारतवर्ष में और कहाँ कहाँ, जैसे आपका बुक में भी आपको ये चीज मिल जाएगी, चाहे जैसे वर्मा हो गया आपका, ये श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, और साथ ही साथ उसमें आई थिंक तिब्बत का जिक्र भी किया गया है, ठीक है, कि वहां पर भी आपकी ये पाली भाषा रही है, ठीक है। तो ये था पाली के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। फिर दूसरी चीज आती है कि पाली में रहे आपके तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ जो व्याकरण ग्रंथ रहे हैं, यहां से भी आपको प्रश्न आ सकता है, देखना। सबसे पहले आता है इसमें कच्चायन का, कच्चायन व्याकरण। तो दो नाम तो ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जिनको आपको सिंपली इतना ही याद रखना है कि उन्होंने अपने नाम से ही लिखे हैं, ठीक है। तो जो महाकच्चायन रहे उन्होंने कच्चायन व्याकरण लिखा, और मोगलान ने जो है मोगलान व्याकरण लिखा। जो तीसरा नाम आता है इसमें अगवंश का, ठीक है, अगवंश, इसके जो रचनाकार रहे इन्होंने सद्यनीति लिखा, ठीक है, सद्यनीति व्याकरण। तो ये तीन नाम आते हैं व्याकरणिक ग्रंथों में, इनको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड इनमें से सबसे श्रेष्ठ जो पाली का व्याकरण माना जाता है वो कौन सा रहा, ये रहा आपका मोगलान व्याकरण, इसको आपने ध्यान रखना है, जो मोगलान ने लिखा था, तो इसको आप याद रखिए, और ये श्रीलंका से संबंधित थे आपके मोगलान, ठीक है। That's it. यहां पर आपका जो पाली साहित्य है लगभग लगभग इतना ही है, बाकी इसके अलावा आपको कोई भी इसके आधार स्रोत नहीं मिलते हैं, जो मतलब उपलब्ध है हमारे पास जानकारी वो लगभग इतनी है, जहां से आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है। यहाँ से सबसे जरूरी चीज है आपकी कि पाली का जो नामकरण है वहां से आपको प्रश्न बनता है, पाली के नामकरण के बाद जो इनके त्रिपिटक ग्रंथ हैं इसमें क्या चीज है, फिर जो बुद्ध घोष की अटकथा साहित्य है, नागसेन की मिलिंद पन्हों है, ये रचनाएं पूछी गई हैं, बाकी इसमें और चीजें जैसे आपका कच्चायन व्याकरण व्याकरण जो है इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि मोगलान जो व्याकरण रहा ये इसका श्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है ना। तो यहां पर आपकी पाली भाषा लगभग लगभग कंप्लीट हो गई, इतनी सी चीजें ही आपको यहां से याद रखनी है, ओके, यहां तक ठीक है। यस सर। फिर आता है आखिरी जो आपका प्राकृत के बाद दूसरा, सॉरी पाली के बाद जो दूसरा रहा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में, वो रही आपकी प्राकृत, ठीक है। प्राकृत से रिलेटेड आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ये क्या है, पाली का अगला रूप माना जाता है, ठीक है। पहली शती से लेकर के आपका कहां तक का जो समय माना गया प्राकृत का, 500 ईस्वी तक का, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना आती है आपकी जो प्राकृत रहा, इसमें आती है गौड़ बहो, ठीक है, प्राकृत की प्रसिद्ध रचना, तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें यहाँ पर देखिए लिखी गई है कि जो संपूर्ण मध्यकालीन आर्य भाषा रही इसको ही प्राकृत कहा जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, देखिए, है ना, कि जो जितना भी आपका पूरा का पूरा मध्यकाल रहा वो क्या है, आर्य भाषा जो रही आपकी वही प्राकृत भाषा है ना। प्राकृत का अर्थ है सहज या स्वाभाविक, या मतलब जो हम सिंपल सी कहते हैं कि नेचुरल है भाई ये चीज, है ना, प्राकृत है।
और ग्रियर्सन ने यह प्राकृत जो आ रही है ना, इसको क्या कहा, प्रकृत या अकृत्रिम प्राकृत को प्राइमरी प्राकृत कहा है। इंपॉर्टेंट नाम है देखना इस चीज को कि प्राइमरी है भाई, इन्होंने भी माना कहीं ना कहीं कि ये प्रमुख है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्राकृत के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक कहते हैं कि प्राकृत क्या है, प्राचीनतम जनभाषा है। दूसरे कहते हैं कि प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। दो चीजें हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहां से आपको दो नाम याद रखने हैं। एक नाम आपको रखना है याद नामी साधु का, दूसरा नाम रखना है आपको याद किसका, जो आपके ये वाक्पति राज हुए जिन्होंने गौड़बहो नामक प्रसिद्ध रचना रची है। ठीक है, तो इसमें से जो पहला मत ये कहता है कि प्राकृत क्या है, प्राचीनतम जनभाषा है, तो ये दोनों नाम क्या कहते हैं, ये जो आपके गौड़बहो रहे एंड जो दूसरा आपका नामी साधु रहे, इन दोनों ने बोला कि जितनी भी भाषाएं निकली हैं विश्व की वो किससे निकली हैं, वो प्राकृत से निकली हैं। नामी साधु की एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगी, जहां पर ये कहते हैं प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, कि जो पूर्व से ही चली आ रही है, जो प्रारंभ से ही है, वही क्या है, वही प्राकृत है ना। और जबकि आपके जो वाक्पति राज रहे जिन्होंने गौड़बहो नामक रचना रची, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से पूरे के पूरा जो संसार का पानी है वो समुद्र में मिलता है और समुद्र से ही आगे जाता है, ठीक ऐसे ही भारतवर्ष की भाषाओं के साथ भी हुआ है कि सारी की सारी जो भाषाएं हैं वो प्राकृत से ही निकली हैं और प्राकृत में ही समाहित हो जाती हैं, इसलिए जो है प्राकृत ही सब भाषाओं की जननी रही है। ठीक है, तो ये बात किसने मानी, ये मानी गौड़बहो ने, है ना। यहां से ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि किसने माना कि प्राकृत से ही इनकी उत्पत्ति हुई है बाकी भाषाओं की। फिर दूसरा मत आता है, उसमें रहे आपके हेमचंद्र वगैरह, जैसे किशोरीदास वाजपेयी वगैरह, मार्कंडे, या फिर जो सर्वमान्य मत है। हालांकि काफी हद तक आप देखेंगे, अगर आप उपकार की बुक देखेंगे वहां पर आपको ये चीज मिलेगी कि पहले पहल प्राकृत ही रही है, क्योंकि जो स्वाभाविक सी भाषा थी वो प्राकृत ही रही थी। काफी हद तक ये मत सही भी लगता है कि जो नेचुरल भाषा थी पहले से, वो कहीं ना कहीं प्राकृत को ही, उसको नाम इसलिए प्राकृत दे दिया गया कि अब जो प्रारंभिक रही उसको हमने वैदिक संस्कृत रख दिया, फिर धीरे धीरे हमने आगे उसको और नाम देते गए हम। लेकिन इस मत का जो है कोई इम्पॉर्टेंट ऐसा अब कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया है इसका, है ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सब भाषाओं की जननी हम आज किसको मानते हैं, वो हम प्राकृत को ही, सॉरी संस्कृत को ही मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद रख लीजिए। एंड दूसरा जो आता है, देखिए आपका दूसरा जो मत है ये रहा कि प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। तो इसको मानने वाले नाम मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हैं, इनको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो इसमें हेमचंद्र का जो कथन आता है कि जो संस्कृत से जो आई हुई है ना, वही क्या है, वही प्राकृत है, कुछ इस तरीके से इन्होंने एक कथन कहा है, उसको आपने याद रखना है तो अच्छी बात है, नहीं रखना है तो आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि हेमचंद्र ने किससे माना, उन्होंने माना कि सब भाषाएं जो हुई हैं वो किससे निकली हैं, वो आपकी संस्कृत से ही निकली है, और उनमें से प्राकृत भी एक भाषा है जो संस्कृत भाषा से निकली हुई है। ठीक है, तो दो मत हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि जो राजशेखर रहे, इन्होंने कहा प्राकृत को मीठी और संस्कृत को इन्होंने कठोर कहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पहले कौन आई बाद में कौन आई, सिंपल सी बात इन्होंने ये कही कि जो प्राकृत है वो मीठी है और संस्कृत क्या है, कठोर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजशेखर की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, वो कौन सी थी, शाबाश राजशेखर आपके कैसे रचनाकार रहे हैं, ये रहे संस्कृत के प्रमुख आचार्यों में से एक आचार्य जिन्होंने रचना लिखी, कौन सी, हाँ मृदुला कह रहे हैं, मृदुला भानु, हाँ जी सर, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, जिसमें इन्होंने काव्य के बारे में कुछ चीजें कही हैं कि काव्य के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम रहा राजशेखर का वो किस पर रहा, वैसे इनका जिक्र कहाँ पर होता है ज्यादातर राजशेखर का, काव्य शास्त्र के कौन से पक्ष में, जैसे काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु में सर कायरित्री और भायरित्री जो मतलब इसने दो भेद माने थे कुछ ऐसा करके, हाँ काव्य हेतु में इनका जो है इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें इन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने, कारित्री और भावित्री, और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। और इन्होंने काव्य को कितनवीं विधा माना, चौदहवीं या पंद्रहवीं, पंद्रहवीं ऐसा है शायद, ठीक है देखना एक बार इसको फिर से देखिए एक बार, ये वाला प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना।
तो ये था आपका प्राकृत। प्राकृत के बारे में क्या क्या चीजें हैं ये आपको मेन मेन चीजें ध्यान रखनी है कि कौन इसको मानता है कि सब भाषाओं की जननी ये है और कौन ये मानता है कि ये संस्कृत से निकली हुई है। ठीक है, प्राइमरी प्राकृत भी इसको कहा जाता है और द्वितीय प्राकृत भी इसको कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसे ही साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय प्राकृत को क्या नाम दिया गया है, साहित्यिक प्राकृत भी इसको ही कहा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। फिर आता है यहां पर अगली जो चीज है, देखिए यहां पर लिखा गया है कि सबसे पहले प्राकृत में वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इसमें उन्होंने प्राकृत के चार भेद कौन कौन से हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना कि प्राकृत के भेद किसने किए, चार भेद, तो वो किए आपके वररुचि ने। वररुचि रहा व्याकरण, जो इसका प्राकृत प्रकाश है ना, व्याकरण और व्याकरण में क्या अंतर है ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो प्राकृत प्रकाश इन्होंने लिखा पहले, और इसमें इन्होंने कितने भेद किए प्राकृत के, चार भेद किए, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। इनमें से ये जो दो अपभ्रंश जो प्राकृत रहेंगे इन्हीं से, इसी नाम से आगे अपभ्रंश भी निकले हैं। ये हम जब अपभ्रंश में पहुंचेंगे वहां पर जानेंगे, और धीरे धीरे हम अपनी हिंदी तक ऐसे ही पहुंचते जाएंगे। देखिए अब हम हिंदी के बिल्कुल, ये चीजें हिंदी के साथ साथ आती रहती है ना, तो जैसे हमारी हिंदी जो है शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, लेकिन इसके अलावा और भी तो अपभ्रंश सहायक रहे हैं दो। ठीक है, एक आता है उसमें मागधी, और दूसरा आता है जो हेमचंद्र ने किया था। तो हेमचंद्र ने तीन किए अपभ्रंश, कौन कौन से, ठीक है, अर्धमागधी जो आर्ची के नाम से आता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों से निकली है हमारी हिंदी। तो यहाँ पर सबसे पहले वररुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा जिसमें उन्होंने चार भेद किए, फिर उसके बाद हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण लिखा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कितने भेद किए, तीन भेद किए हैं, आर्ची, चूलिका और अपभ्रंश। ये इन्होंने इसमें क्या माने, तीन और भेद इसमें प्राकृत के इन्होंने कर दिए, है ना। और हेमचंद्र को ही प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, हालांकि इतनी ज्यादा टफ बात ये नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। यहां से जो जरूरी प्रश्न आपके लिए बनता है वो आपको ऐसे ही याद रखना है कि वररुचि ने कितने भेद किए प्राकृत के, और उन प्राकृत के भेदों में जो हेमचंद्र ने कितने जोड़े, और ये संख्या कितनी तक हो गई प्राकृत के भेदों की, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको पूछी जाती है कि इन सात भेदों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो भेद, या यूं कहें सबसे प्रमुख या जो प्रसिद्ध माना जाता है, वो किसको माना जाता है, महाराष्ट्रीय प्राकृत को माना जाता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत को ही क्या माना जाता है, सबसे ये श्रेष्ठ है ना, या आदर्श प्राकृत इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, देखना इसको भूलना नहीं है आपको, है ना। और इन्हीं प्राकृत के भेदों से ही आगे अपभ्रंश निकले, और उन्हीं अपभ्रंशों से ही हमारी हिंदी भाषा निकली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है कि प्राकृत भाषा में वाक्पति राज ने अपने रक्त से 7,00,000 दोहों में गौड़बहो महाकाव्य की रचना की, और इस रचना में ये प्राकृत को जनभाषा कहते हैं। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो प्राकृत को जनभाषा जो है वो किस रचना में कहा गया है। यहां पर आपको याद रखना है कि वाक्पति राज की गौड़बहो नामक रचना में कहा गया है कि आपका जो ये प्राकृत रही, ये जनभाषा रही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। एंड दूसरी चीज यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें लिखा क्या गया आगे देखिए कि इनमें से 6,00,000 दोहों को उन्होंने जला दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कि 7,00,000 दोहे इन्होंने लिखे, और वो भी अपने रक्त से, उनमें से इन्होंने 6,00,000 दोहों को जला भी दिया था। तो इनकी इंपॉर्टेंट रचना ही यहां से वैसे आपको पूछी जाती है कि गौड़ बहु के रचनाकार कौन रहे हैं, तो वो आपको याद रखना है कि ये रहे आपके, ये जो आपके वाक्पति राज हुए हैं इनका। फिर है उसके बाद कि प्रथम ईस्वी के आसपास शालिवाहन, इनको हम हाल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने गाहा सत्सई, या इसको कहते हैं गाथा सप्तशती, ठीक है, इसकी रचना की, और इस मुक्तक काव्य में इन्होंने 700 गाथाएं संकलित की हैं। ठीक है, तो 700 गाथाएं संकलित होने के चलते ही इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा आपका गाथा सप्तशती, या फिर गाहा सत्सई। अब गाहा से आपको एक और चीज याद रखनी है, देखिए जब आप आदिकाल में पढ़ेंगे वहां पर आपको एक लाइन दिखती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वो कहते हैं कि जिस तरीके से गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी तरीके से आपका जो दुहा या दुहा कहने से किसका बोध होता है, अपभ्रंश का बोध होता है। तो यहां से आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो आपकी गाथा है या जो गाहा छंद है, ये प्राकृत का क्या है, अपना छंद है,
इंपॉर्टेंट चीज है देखना, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं उन्होंने भी एक चीज मानी कि जो आपका गाथा छंद रहा है ये किसका छंद है, ये प्राकृत का छंद है। ये प्रश्न आपको खुद ब खुद यहाँ से क्रिएट करना है, इसको आप लिख लीजिए कि प्राकृत का जो छंद क्या रहा वो रहा आपका गाहा या गाथा छंद प्राकृत का, ठीक है। और जो आपका ये हाल कवि की सतसई रही है, गाथा या गाहा सतसई रही है, इसको हम सतसई परंपरा की प्रथम रचना भी मानते हैं, ठीक है। सतसई परंपरा की प्रारंभिक रचना इसको माना जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है देखना ये वाला प्रश्न, है ना। और इसी गाथा सप्तशती में, इसी गाथा सतसई में राधा का जिक्र भी सबसे पहले आता है, जो कृष्ण काव्य के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जो प्राकृत का साहित्य रहा है, इतना सा। इसके अलावा प्राकृत साहित्य के अंतर्गत कुछ और चीजें आती हैं, उनको भी आप साथ में लिख लीजिए, आपको बुक में भी वो चीजें मिल जाएंगी, पांडियन पांडे वाली बुक में भी आपको मिल जाएगी चीज देखना। जैसे इसमें हेमचंद्र की एक महत्वपूर्ण रचना आती है, आपने पढ़ा होगा उसको, है ना, कुमारपाल चरित, ठीक है, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित। और हेमचंद्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति आती है देखना, हालांकि वो आदिकाल में हम फिर से पढ़ेंगे उसको एक बार, लेकिन फिर भी आपको वो पता होनी चाहिए कौन सी पंक्ति रही है इनकी, कि भला हुआ बहिणी जो मरिया मारा कंतु, ये वाली पंक्ति है ना, वो उनकी इसी रचना से है, ना कि शब्द अनुशासन से है। कई बार हम इसको गलत कर जाते हैं कि हम शब्द अनुशासन की ओर जाते हैं, क्योंकि हमें आधे लोगों को ये ध्यान ही नहीं रहता कि इन्होंने जो कुमारपाल चरित भी लिखा है। हालांकि इसी तरीके की कुमारपाल प्रतिबोध शीर्षक से एक और रचना भी रही है, वो किसकी है, सोमप्रभ सूरी। हाँ, सोमप्रभ सूरी, उसका जिक्र आता है आपका अपभ्रंश में, ठीक है, तो वो आपको वहां पर याद रखनी है। लेकिन जब प्राकृत की बात आती है, वैसे इसमें भी आपको मिलेंगे कुछ एक चीजें आपके जो प्राकृत की। एक और चीज है यहाँ पर, ये जो ऊपर लिखा गया है, देखिए हेमचंद्र को प्राकृत, इन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा, इसका नाम रहा कौन सा, जो आपके हेमचंद्र के व्याकरण का नाम रहा शब्दानुशासन, ठीक है, शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है इसी को। जो शब्दानुशासन रहा, इसमें तीन भाग आते हैं इसके देखना, तीन भाषाएं रही हैं इसमें। सबसे पहले पहला जो पार्ट रहा वो रहा संस्कृत का, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपको, इसको ध्यान रखना है आपको, संस्कृत इसका आरंभिक पार्ट है और प्राकृत इसका दूसरा है और लास्ट वाला आएगा इसमें अपभ्रंश जो है तीसरा, ठीक है। तो तीन तरीके से इसमें इसको विभाजित किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि हम एक बार फिर से पढ़ेंगे हेमचंद्र की जो ये रचना रही है, जब हम अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपभ्रंश में भी इसका जिक्र होगा, है ना, संस्कृत में इतना ज्यादा नहीं रहा, संस्कृत में सिर्फ यही चीज इनकी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि इन्होंने क्या माना कि जितनी भी आपकी अभी जो भाषाएं निकली वो संस्कृत से ही निकली हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी हेमचंद्र को आपको ध्यान रखना है। एक और रचना आती है इसमें, जैसे जिसको हम कहते हैं सेतु बंध या सेतु बद्ध, जिसको हम रावण बहु के नाम से भी जानते हैं, प्रवर सेन द्वारा लिखी गई थी ये रचना, उसको भी आप याद रखिए, हो सकता है वो भी आपको कभी कभार पूछी जाए कि प्राकृत की अन्य कौन सी रचना रही है। तो यहाँ पर आपका जो प्राकृत साहित्य है लगभग लगभग मोटे तौर पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो चीजें बचती हैं प्राकृत से रिलेटेड, कि प्राकृत के कौन कौन से ऐसे रूप रहे जिनसे हमने आगे अपभ्रंश को देखा, है ना, अपभ्रंश से आगे आपका कौन सी हिंदी निकली, ये जो सारी चीजें बची जाती हैं इनको हम देखेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल यहाँ आज समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा, ठीक है, इतना तक ओके है। ओके सर, थैंक्स। यस सर। चलिए बाकी हम कल देखते हैं, जो जो चीजें इसमें छूट गई होंगी, अगर प्राकृत से कुछ और चीजें बचती हैं तो उनको हम फिर कल देखते हैं। आप फिलहाल यहाँ तक पढ़ लीजिए और इसमें आगे वाली स्लाइड्स को भी आपने देख लेना खुद से, ठीक है। तो जो लोग कल कह रहे थे ना कि इसमें आगे की स्लाइड्स आप पहले दे दीजिए, तो इसमें आपको 4-5 स्लाइड्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, है ना, उनको आप कल के लिए पढ़ के लाइए, फिर देखते हैं कि और चीजें क्या करनी है। ओके, आपको लगेगा इन क्लासेस लगाने के बाद आप में कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो आप बता सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप ज्यादा डल हुए हैं तो उस चीज के बारे में भी आप जरूर बताइए कि क्या क्या चीजें रही हैं। जो लोग पुराने हैं उनसे हम बहुत जल्द फीडबैक ले लेंगे, आपके पास गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसके जरिए हम पहुंचाएंगे, है ना। तो ठीक है, फिर कल मिलेंगे ठीक 7 बजे नई ऊर्जा नई स्फूर्ति के साथ। तब तक सब लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सर।